हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जायका दिल्ली। मैं आज बनाऊंगी मैं चिकन कोरमे की रेसिपी एंड आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चिकन कोरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स लिए हैं और मैं यहाँ पे कोरमा बनाऊंगी कुकर के अंदर। बहुत जल्दी से बनाऊंगी, आपको कोई भी चीज़ें ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर कुकर में ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। जैसे ही यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म होगा हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 तेज़पत्ते और 3 बड़ी वाली इलायची, 5 से 6 लौंग और 5 से 6 काली मिर्चें यूज़ करूँगी मैं इसमें। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सूखी वाली लाल मिर्च और वो भी 4 यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ ही मैं यहाँ पे 3 कटी हुई प्याज ऐड कर रही हूँ जिसको मैंने फाइनली कट कर लिया है। तो इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमें प्याज को बहुत अच्छे से फ्राई करना है जब तक इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हो जाता है। जब तक ही फ्राई करेंगे हमें और बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, बस कलर चेंज होने तक फ्राई करना है और इसको मिक्स करते रहेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने हाई फ्लेम पर कर रखा है तो आप देख सकते हैं इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो रहा है एकदम से। और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 कटी हुई हरी मिर्चें और 2 मैं यहाँ पे टमाटर यूज़ कर रही हूँ। टमाटर को मैंने यहाँ पे रफली कट करके ऐड किया है, हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। और अब सारी चीज़ों को आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और एकदम टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट हो जाने तक हम इसको पकाएंगे भी। जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो रहे हैं जब तक हम इसे बीच बीच में मिक्स करते रहेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। और मैं यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करूँगी जिसमें मैं 1/2 टीस्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर यूज़ करूँगी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ और मैं यहाँ पे 1 गिलास भर के पानी ऐड कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से गलाना है जब तक अच्छे से मैश ना हो जाए। साथ साथ ही मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रही हूँ और 1 टीस्पून यहाँ पे गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला पाउडर मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा तीखा बनाना है इसको, थोड़ा सा स्पाइसी। और यहाँ पे 1 विसल्स आने तक का हम वेट करेंगे। 1 विसल्स में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगी और हमें इन चीज़ों को ग्राइंड करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 1 विसल्स के बाद मैं चेक कर रही हूँ। तो देखिए सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से मैश हो गई हैं, टमाटर भी एकदम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। तो हमें ऐसे ही सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैश करना था। और अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि मैं यहाँ पे डालना भूल गई थी। तो 2 टीस्पून में लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी हमें मसालों को बहुत अच्छे से भूनना है जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है, क्योंकि जब मसाले अच्छे से भुनेंगे तभी चिकन बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मैं यहाँ पे चिकन ऐड कर दे रही हूँ क्योंकि मसाले यहाँ पे बहुत अच्छे से भुन गए हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है इसमें से। अब मैंने एकदम चिकन को अच्छे से वॉश किया है 2 से 3 बार, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अभी यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन को और जितना आपको ग्रेवी रखनी है उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें पानी रखेंगे। तो देखिए मैं थोड़ा सा तरी वाला चिकन बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा रखूँगी। और अगर आपको भुना हुआ चिकन बनाना है तो आप पानी बहुत कम ऐड करें क्योंकि चिकन जो है बहुत जल्दी से गल जाता है, इसे गलने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आप यहाँ पे 1 गिलास पानी ऐड करेंगे तो अच्छे से ये इसमें ग्रेवी भी हो जाएगी और एकदम से अच्छे से बन के तैयार भी हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी रखूँगी इसलिए मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड किया है। और अब मैंने धनिया के पत्ते ऐड किए हैं। तो सारी चीज़ों को आपस में यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देंगे।
बस अब हम क्या करेंगे, हम एक विसल्स आने तक पकाएंगे इसको। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और अब बस कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और बस एक विसल्स आने का वेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि चिकन अच्छे से गल जाता है। तो चलिए एक विसल के बाद हम चेक कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा रखी है, तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें इसे अच्छे से भूनना है। तो मीडियम फ्लेम पे अगर आप इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे तो एकदम जो ग्रेवी है थोड़ी सी थिक हो जाएगी और जो चिकन है एकदम तरी वाला चिकन जो है एकदम बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बोटी जो है अच्छे से गल गई है एक सीटी में। और अब इसे मिक्स कर देना है और अब बस मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और हम चिकन को करेंगे सर्व। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें। सो प्लीज़ मेरे चैनल को कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।